जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं सोचती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बहुत दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है इस तरह से वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि अभी वसंत पंचमी आने वाली है, तो उस दिन आप क्या करें। वसंत पंचमी का मुहूर्त है 5:53 से लेकर के सुबह, और अच्छी पूजा का मुहूर्त जिसे कहते हैं शुभ पूजन, उसका मुहूर्त है 5:53 से लेकर के और सुबह 7:30 बजे। उसके बाद फिर शुरू होगा 8:30 से लेकर के आपको मिलेगा 12:30 तक। आप उस समय कर सकते हैं, माँ सरस्वती को मना सकते हैं, विद्या की माँ देवी यानी कि सरस्वती। जब भी कभी आप सरस्वती का पूजन करें, तो सरस्वती जी का कोई भी आपको छोटा सा मंत्र यदि याद हो, तो दोस्तों आप छोटा सा भी एक मंत्र बोल सकते हैं। आपको सभी को ये तो आता ही है, ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाया शुभ्र वस्ता बताया वीणा वर दंड मंडित करा या क्षेत्र पद्मासना या ब्रह्मा चतुर संकर प्रवृति विदेवे सदा वंदिताम सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या महा हे वीणा पाणी पुस्तक धारणी माँ शारदे हम सबको उतार दे। जय माँ शारदे हम सबको उतार दे। इस तरह से करके आप माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद एक आप पीले रंग का कोई पुष्प चढ़ा दीजिए, साथ ही पीले चावल बना लीजिए। पीले चावल यानी कि थोड़ा सा केसर डाल करके, उसमें मीठा डाल करके, आप अगर गुड़ पसंद करते हैं, गुड़ और शक्कर पसंद करते हैं, शक्कर यानी चीनी डाल करके भी आप उसे बना सकते हैं। और उसे बनाने के बाद आप उसको भोग लगाइए माँ सरस्वती को, उनका वंदन कीजिए, उन्हें पीले बेसन का लड्डू चढ़ा सकते हैं, और पीला उनको बहुत पसंद होता है, और वो स्वयं श्वेत पद्मासन पर विराजती हैं यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं। आप स्वयं श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, और उस दिन वीणा की पूजन भी कर सकते हैं। आप अगर संगीत के प्रेमी हैं तो वीणा का पूजन भी करिए, क्योंकि वो वीणा धारणी है। तो इस तरह से अगर आप माँ को मनाएंगे, तो आपको कभी भी बोलने में, रिप्रेजेंटेशन में, कहीं भी आपको नौकरी में, कहीं भी आपको व्यापार में, कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको जो है माँ शारदे वरदान देंगी, क्योंकि माँ देवी शक्ति है, और माँ शक्ति आपको हमेशा प्रदान देगी, तो आपके पास में धन की कभी कमी रहने वाली नहीं है। और जब जिसके पास विद्या का दान होता है, उसके पास में स्वतः ही लक्ष्मी माँ खींची चली आती हैं, क्योंकि एक दूसरे की प्रेरक हैं ये, और एक दूसरे की साधक हैं। इस तरह से आप अगर उनके पास आते हैं, तो एक दूसरे के साथ बनकर के इस तरह आपके पास इसका जो है एक सामंजस्य बनेगा, क्योंकि जिसके पास विद्या होती है, उसके पास लक्ष्मी अवश्य ही आती है। तो विद्या का बहुत ज़रूरी है हमारे पास होना, यानी ज्ञान का होना। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप ज्ञानवान हों, विद्यावान हों, सुखी रहें, आपका संसार सुखी रहे, आप अपने बच्चों को खूब विद्या दान कराएं, इस तरह से अगर आप मन में भावना रखते हैं और कामना रखते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छा है वसंत पंचमी का। इस दिन लोग विवाह आदि भी करते हैं, और माँ शारदा को याद करके वो और बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि बिना शारदा के यानी वीणा वाणी वाणी के बिना कुछ नहीं है, स्वर के बिना कुछ नहीं है हमारे जीवन में। और अगर स्वर है, ज्ञान है, और हमारी ज़िंदगी में संगीत है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ढेरों खुशियों को आपको मिले, ऐसा मेरी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपको बार बार माँ शारदे को और आपको साथ में वंदन, नमस्कार, आभार और सत्कार है एस्ट्रोवाणी बाई स्नेह चैनल पर। आप इसी तरह अगर नए हैं, तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक ही बार करना होता है, क्योंकि और आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे उपाय लेकर आई हूँ मैं। सारे ही वीडियोज़ मेरे बहुत अच्छे हैं और बहुत कारगर उपाय हैं, और उनमें एक रुपये का भी खर्च नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे, तो इस शुभ दिन पर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसी गुड लक के साथ साथ मैं आपसे गुड बाय कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।